अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबाद की एक बहुत ही ज्यादा फेमस हैदराबादी मटन मरग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। देखिए, इसमें जो गोश्त है ये इतना सॉफ्ट होता है कि खाते वक्त ही आपके मुंह में घुल जाएगा। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग इसे जरूर बनाएं। कॉमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, बनाने के बाद भी मुझसे शेयर करें। चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक मेरा जरूर विजिट करें, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। हैदराबादी मटन मरग बनाने के लिए हमें दो मसाले पेस्ट पीसने होंगे। आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पहला जो है मसाला पेस्ट वो हम तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सर का जार ले लें। मिक्सर के जार में डालिए 50 ग्राम काजू, बादाम 50 ग्राम, 5 कटी हुई हरी मिर्च और 100 ग्राम दही। इन सभी को हम अच्छे से यानी एक बारीक पेस्ट की तरह पीस लेते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए, दही के वजह से ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। पिसा हुआ मसाला पेस्ट हमारा अब तैयार है। चलिए इस रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम एक मसाला पेस्ट नहीं बल्कि एक मसाला पाउडर तैयार कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लें आप। 5 लौंग, 4 इलायची, 3 छोटे दालचीनी के पीसेस, साबित काली मिर्च आधा टीस्पून। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्टोन फ्लावर, इसे दगड़ फूल या पत्थर का फूल भी कहा जाता है, बस थोड़ा सा डालिए। देखिए, 8 कबाब चीनी। कबाब चीनी देख लें आप, ये लौंग की तरह ही दिखती है लेकिन इसकी खुशबू अलग होती है और थोड़ा सा शेप भी डिफरेंट होता है। इसे टेल्ड पेपर भी कहा जाता है। सुपरमार्केट में आपको ये आराम से मिल जाएगा, ये और स्टोन फ्लावर। इसे भी हम एक बारीक पाउडर की तरह पीस लेते हैं। पिसा हुआ स्पाइस पाउडर हमारा तैयार है। चलिए कुकिंग का प्रोसेस हम अब स्टार्ट करते हैं। प्रेशर कुकर में सबसे पहले 3 टेबलस्पून घी डाल दें। इसे गरम होने के लिए रख देते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम 5 बड़े साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल देते हैं। प्याज को अच्छे से सॉटे कर लें। इसका कलर गुलाबी होने तक यानी पिंकिश होने तक फ्लेम को हाई पे रख के इसे फ्राई करें। प्याज का कलर देखिए गुलाबी हो गया है, बस इतना काफी है। नेक्स्ट इसमें डालिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से भून लें, इसकी कच्ची बू जाने तक हाई फ्लेम पे भूनते रहिए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। नेक्स्ट इसमें आधा किलो गोश्त डाल देते हैं। नेक्स्ट हमें गोश्त को अच्छे से भूनना होगा। गोश्त के पीसेस मीडियम होने चाहिए, हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लें। गोश्त को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें और इसमें डालिए 3/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हल्दी आधा टीस्पून और ये स्पाइस पाउडर जो हमने वीडियो के स्टार्ट में पीसा था। चलिए अब हम इसे फिर से भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम पे रख के भूनिए। गोश्त को मीडियम फ्लेम पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। नेक्स्ट हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी 1 या 1.5 कप डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख के इसे पकने देते हैं। फ्लेम को हाई पे रखिए और जब ये पकना स्टार्ट हो जाए इसके ऊपर लिड बंद कर दें और विजिल लगा दें। जब 1 सीटी आएगी फ्लेम को लो पे रख दें और लो फ्लेम पे इसे बस एक 10 से 12 मिनट तक हम गलाएंगे, यानी मटन अच्छे से 90% तक गलने तक, उसे ज़्यादा ना गलाएं। इसके लिए 15 मिनट भी लग सकते हैं, बाद में आप लिड ओपन करके देख लें। चलिए इसमें मैं लिड बंद कर देती हूँ। 1 सीटी आ चुकी है, फ्लेम को लो पे रख दें। गोश्त हमारा गल चुका है, इसे हम हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेते हैं प्याज कम्प्लीटली भूनने तक। इसे मैंने हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। देखिए प्याज कितनी अच्छी सी घुल चुकी है। इस ग्रेवी को मैंने दूसरे पैन में निकाल लिया है ताकि हमें इसे पकाने में आसानी हो जाए। इसे अच्छे से हमने भून लिया है, देखिए घी साइड्स में नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से भून चुका है।
फ्लेम को लो पे रख के इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डाल देते हैं। ये पेस्ट डालने के बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 लीटर पानी। पानी डालने के बाद फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, नमक डाल दें, इसमें नमक ज्यादा ही लगेगा, इसे मिक्स कर लें। आखिर में इसमें डालिए थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, इसे भी मिक्स कर लें। फ्लेम को अब हाई पे रखिए। इसे हम अब बॉईल होने के लिए रख देते हैं हाई फ्लेम पे। ग्रेवी हमारी देखिए अच्छे से पक रही है। इसे ऐसे ही हम एक 5 मिनट के लिए पका लेते हैं हाई फ्लेम पे। 5 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और इसे 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लें। इस पे लिड बंद कर देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, मजेदार हैदराबादी मटन मरग हमारा तैयार है। कितना टेस्टी लग रहा है देखिए आप। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ या परोठे के साथ खाइए, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये काफी क्रीमी भी बनता है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। और इसका जो गोश्त है वो भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, आपके मुंह में घुल जाएगा खाते वक्त। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम।